इस वक्त की बड़ी और अहम खबर उत्तर प्रदेश का जनपद पीलीभीत से है। पीलीभीत के बीसलपुर में महिला को घर से जबरन निकालने का प्रयास, व्यापारी ससुर बहू को घर से निकालने का कर रहा प्रयास, ड्रेव टायर एंड अलाइनमेंट के डायरेक्टर बहू के साथ करते हैं आए दिन मारपीट। विवाहिता ने ससुर पर लगाए गंभीर आरोप। ससुर बागेश्वर दयाल की दबंगई से विवाहिता परेशान, आए दिन मारपीट का मामला। ससुर और पति आए दिन महिला को कर रहे प्रताड़ित, बच्चे सहित घर से जबरन बाहर निकालने का कर रहे प्रयास। कई बार महिला के साथ कर चुके मारपीट, शिकायत के बावजूद नहीं हुई कार्यवाही। महिला ने मामले की उच्च अधिकारियों से की शिकायत, नतीजा ठग के पात। महिला के घर का दरवाजा जबरन काटकर महिला को घर से बाहर निकालने की योजना। महिला का आरोप, थाने में मामला आने के बाद ससुर अपनी ऊंची पकड़ दिखाकर करवा देता है मामला समाप्त। दरअसल उत्तर प्रदेश के जनपद पीलीभीत में महिला ने अपने ससुर पर गंभीर आरोप लगाया है। बीसलपुर के पटेल नगर निवासी महिला सीमा देवी ने बताया कि देव टायर एंड अलाइनमेंट के संचालक बागेश्वर दयाल अपने अन्य साथियों प्रेमपाल, रूपवती एवं अन्य लोगों के साथ मिलकर महिला के साथ मारपीट करते हैं। पीड़ित महिला ने थाने में तहरीर दी लेकिन कार्यवाही नहीं हुई। महिला ने बताया कि उक्त लोगों ने योजना बनाई है कि उसके घर का दरवाजा काटकर उसे जबरन घर से बाहर निकालेंगे। महिला ने पूरे मामले की शिकायत पुलिस अधीक्षक अविनाश पांडे से की है। उधर आरोपी ससुर और उसके अन्य साथी लगातार महिला को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। महिला का आरोप है कि बीसलपुर पुलिस उसकी कोई मदद नहीं कर रही है। क्या नाम है आपका? सीमा देवी। कहाँ रहती हैं? पटेल नगर। क्या मामला है आपका? मुझे घर से निकाल रहे हैं। कौन? हमारे ससुर, हमारे पति सोमदेव जी और प्रेमपाल, रूपवती, उपयुक्त तो और लोग भी मारपीट भी मेरे साथ कर रहे हैं, गाली गलौज भी कर रहे हैं, बदतमीजी भी कर रहे हैं, गंदी गंदी हरकतें भी कर रहे हैं जी। और मुझे बाल पकड़ के घसीट के बाहर निकाल रहे हैं जान से मारने के। अगर मकान खाली नहीं किया है तो जान से मार देंगे। कौन है ससुर आपके? हमारे ससुर बागेश्वर दयाल। क्या करते हैं? फौज में थे, अब रिटायर हो गए। दरवाजा वो रोज आते हैं दुकान की तरफ से, कुछ ना कुछ मतलब फर्जी, कहीं गए गिरवी नामा दिखाते हैं, कहीं मतलब रजिस्ट्री दिखाते हैं। थाने हम जाते हैं तो हमारी कोई वहाँ सुनता ही नहीं। अच्छी खासी मतलब रकम वहाँ दे रखी है और मतलब हमें बहला फुतला के। कितने समय से शिकायत कर रही हैं आप? मैं 9 तारीख से शिकायत कर रही हूँ बराबर। कोई कार्रवाई नहीं? हाँ, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। मैं ऊपर कंप्लेन करी, वहाँ से एक आती है कंप्लेन थाने को तो एक मतलब पक्ष सुना जाता, हमारी को सुनी नहीं जाती है। मेरा मोबाइल भी ले गई है, वो मोबाइल भी नहीं मिल रहा है। और मतलब क्या कहते हैं, दुकान की तरफ से कह रहे हैं मतलब गाली गलौज करते हैं जी। और कहते हैं गेट खोल, नहीं खोलेगी तो गेट काट देंगे। और मेरे पास साथ 2 बार घटना हो चुकी है, जो तिबारा घटना होगी होने वाली है। जान से मारने की धमकी हमें, हमारे बच्चे को, निकलेगी या भागेगी मरेगी। हाँ, गेट मतलब ये कह रहे हैं दुकान की तरफ से, गेट काट के निकालेंगे तुझे घर से बाहर। ठीक है। और हमारे बच्चे की जान को खतरा बना हुआ है। कोतवाल साहब के पास थाने जाते हैं तो वहाँ पर हमारी कोई सुनता ही नहीं है।